डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 2.5 अपना सिम्प्लीफाई करेंगे हम लोग। बेटा, एक्सरसाइज 2.5 में बेसिकली क्या है कि लॉज ऑफ लॉगरिथम है, यानी इसमें आपने पूरी एक्सरसाइज में लॉगरिथम के लॉज यूज़ करने हैं। ठीक है, प्रोडक्ट लॉ होता है, क्वोशेंट लॉ होता है, पावर लॉ होता है, चेंज ऑफ बेस लॉ होता है। तो जो जो लॉज आएंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा और साथ में सॉल्व करते जाएंगे। अब बेटा देखिए, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि log 90, इसे आपने लॉगरिथम के लॉज यूज करते हुए सिंपलीफाई करना है। तो देखिए, ये log 90। अब बच्चों, आपने एक बात याद रखनी है, एक लॉ होता है प्रोडक्ट लॉ ना। प्रोडक्ट लॉ क्या होता है कि जब दो नंबर्स या दो वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो वो सम में चेंज हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि लॉग ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी, ये हो जाता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट लॉ। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट लॉ। और प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है कि लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर लॉगरिथम्स प्रोवाइडेड डेट ऑल लॉगरिथम्स आर डिफाइन, यानी कि लॉगरिथम डिफाइन होने चाहिए। अब देखिए, आपके पास ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, log 9 प्लस log 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाए इसका पार्ट 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास ये है कि log 59 ओवर s। अच्छा, अब बेटा देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज करना है, यहाँ पे क्वेश्चन लॉ। देखिए, ये आपके पास है log 59 ओवर s। अब बेटा देखिए, एक क्वेश्चन लॉ आपके पास ये होता है कि अगर देखे दो log a अपॉन b हो, log a अपॉन b, तो ये आ जाएगा log a माइनस log b। यानी कि जब दो नंबर डिवाइड हो रहे होंगे तो दोनों log का डिफरेंस आ जाएगा, इसे कहते हैं क्वोशेंट लॉ। क्वोशेंट लॉ, क्वोशेंट आपको याद होगा कि ये जो बार होता है इसे हम क्वोशेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये क्या आ जाएगा, कि आपके पास आंसर आ जाएगा log 59 माइनस log s, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आ जाए पार्ट 3। देखिए, पार्ट 3 आपके पास ये है कि log 5 p² over x y³। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ भी लगेगा, क्वेश्चन लॉ भी लगेगा, और आपके पास इसमें पावर लॉ भी लगेगा। इसको हम सिंपलीफाई करते हैं, log 5 p² over x y³। बेटा देखिए, पहले स्टेप में तो हम क्वेश्चन लॉ लगा देते हैं, इसे हम लिख देते हैं log 5 p² - log x y³। तो पहले हमने क्वेश्चन लॉ लगा दिया। ठीक है, अब हम यहाँ लगा देंगे प्रोडक्ट लॉ। तो देखिए, आपके पास ये आ जाएगा log 5, जब प्रोडक्ट होता है तो ये सम में आ जाता है, लॉग सबके साथ अलग अप्लाई हो जाता है और दरमियान में प्लस का साइन आ जाता है। तो log 5 + log p + log q² - बच्चों देखिए, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, log x + log y³। अच्छा, अब यहाँ पर एक लगाते हैं पावर रूल। अब पावर रूल क्या होता है
कि वी नो दैट अगर आपके पास लॉग ए रेस टू दी पावर बी हो तो पावर हमेशा प्रोडक्ट की फॉर्म में पहले आ जाएगी, बी लॉग ए। इसे हम कहते हैं पावर रूल, पावर लॉ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आप जहाँ पावर लग रही है, देखिए आपके पास ये आ जाएगा लॉग 5 प्लस लॉग पी और प्लस, अब ये पावर आ जाएगी पहले 2, तो ये आपके पास आ गई लॉग क्यू। अब ये माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस लॉग एक्स, और ये भी प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे देखिए पावर आ जाएगी पहले 3 और ये आपके पास आ गई लॉग वाई, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं पार्ट 4 के ऊपर। पार्ट 4 ये है कि लॉग 53.3 अपॉन 46.4 और पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 53.3 अपॉन 46.4। तो अब देखिए इसे भी हम सिंप्लीफाई करते हैं। पहले स्टेप में देखें लॉग 53.3 स्क्वायर रूट ऑफ 53.3 अपॉन 46.4, ये स्क्वायर रूट आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, यानी जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, देखिए ये तो आपके पास आ जाएगा लॉग 53.3 अपॉन 46.4, ये पावर आपके पास आ गई 1/4। अब आप यहाँ लगा देंगे पावर रूल, तो पावर रूल में पावर आ जाएगी पहले 1/2 आ जाएगी पहले, ये लिखा आपने लॉग 53.3 अपॉन 46.4। यहाँ पे हम लगाइए पावर रूल, पावर रूल आपको याद है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि वी नो दैट लॉग ए रेज टू दी पावर बी, तो पावर बी पहले यदि बी लॉग ए। अब यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन रूल। ठीक है, अब ये 1/2, देखिए क्वेश्चन रूल में क्या आ जाएगा लॉग 53.3 माइनस लॉग 46.4, ये आपके पास आ गया क्वेश्चन रूल से आंसर आ गया। ठीक है, अब आ जाए पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है कि लॉग 5 का स्क्वायर टी रेस टू दावर 5 और ए रेस टू दावर 1/3 और डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 4.4 और टी बी क्यूब। ठीक है, ये अब आपके पास है। इसे भी आपने यानी क्या करना है कि जो लॉगरिथम के लॉज यूज करते हुए सिंप्लीफाई करना, बेसिकली सिंप्लीफाई तो नहीं करना आपने, सिंपली को एक्सपेंड करना यानी लॉज लगाना है। ठीक है, अब देखिए आपके पास आ गया लॉग 5 रेस टू द पावर 2, टी रेस टू द पावर 5, ए रेस टू द पावर 1/3 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 4.4 टी बी क्यूब और ये क्यूब रूट। ठीक है, तो पहले स्टेप में तो हम लगा देंगे क्वेश्चन रूल। ठीक है, क्वेश्चन रूल आपको याद है कि वी नो दैट अगर लॉग ए अपॉन बी हो तो लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग 5 रेस टू द पावर 2, टी रेस टू द पावर 5, ए रेस टू द पावर 1/3, फिर ये माइनस और ये लॉग
रूट को भी आप यूं लिख लें 4.4 ई बी क्यू, और ये पावर 1/3, ये अपने पावर 1/3, क्यूब रूट को पावर 1/3। अच्छा अब बच्चों आप यहाँ लगा देंगे प्रोडक्ट रूल, जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या आपके पास आ जाएगा, लॉग 5 रेस टू द पावर 2 प्लस लॉग t रेस टू द पावर 5 प्लस लॉग a रेस टू द पावर 1/3। अच्छा अब यहाँ पे पहले लगा देंगे हम पावर रूट, पहले पावर आ जाएगी 1/3, और ये आपके पास लॉग 4.4 और t b q। अच्छा अब यहाँ पे भी लगा देंगे पावर रूल, ठीक है पावर रूल का फॉर्मूला आपको याद होगा कि वी नो दैट अगर लॉग a रेस टू द पावर b है तो पावर b लॉग a, ये पावर पहले आ जाती है। ठीक है अब जहाँ जहाँ देखे पावर वो पहले लिख दें आप, देखिए आ जाएगी 2 log 5 प्लस 5 log t प्लस 1/3 लॉग ए और -1/3। अब यहाँ पर भी देखिए पहले प्रोडक्ट टू लगा देंगे, लॉग 4.4 प्लस लॉग टी प्लस लॉग b रेस टू द पावर 3। ठीक है अच्छा अब इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए ये आ जाएगा 2 log 5 प्लस 5 log t प्लस 1/3 और लॉग ये a है, लॉग a -1/3 और ये लॉग 4.4 प्लस लॉग टी और ये प्लस ये पावर 3 पहले आ जाएगी 3 log b। और नेक्स्ट स्टेप में अगर आप चाहें तो 1/3 को सबसे मल्टीप्लाई भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है अगर तो मल्टीप्लाई करना चाहेंगे देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2 log 5 प्लस 5 log t प्लस 1/3 लॉग ए और ये -1/3 लॉग 4.4 -1/3 लॉग टी और फिर ये -1/3 और ये आपके पास मल्टीप्लाई बाय 3 log d। देखिए ये स्टूडेंट्स आपका रिजल्ट आ गया कंप्लीट। ठीक है यानी आपने लॉगरिथम के रूल्स अप्लाई करते हुए इसको इसको एक्सपेंड कर दिया। ठीक है अब आ जाए आप पार्ट 6, ये पार्ट 6 आपके पास ये है कि लॉग 5th रूट ऑफ 7 स्क्वायर e³ t अपॉन d रेस टू द पावर 6 और b रेस टू द पावर 2 और ये 5th रूट है, 5th रूट। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है अब देखिए सबसे पहले जैसे हम क्या करते हैं, ये 5th रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है रेडिकल फॉर्म के बजाय एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब देखिए ये log 7 स्क्वायर t³ p/ d रेस टू द पावर 6 b रेस टू द पावर 2 और ये whole power 1/5, जो रेडिकल ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। अच्छा अब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे पावर रूल, पावर रूल आपको याद है कि वी नो दैट log a रेस टू द पावर b तो पावर हमेशा पहले आ जाएगी b log a, लॉग से मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है अच्छा अब देखिए यहाँ पे पावर 1/5 है
ये पावर तो 1/5 आ गई पहले, और ये लिखा आपने लॉग 7 स्क्वायर EQP ओवर डी रेस टू दी पावर 6 और बी रेस टू दी पावर 2। अब पहले हम यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल आपको याद है कि वी नो दैट लॉग ए अपॉन बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। जो फ्रैक्शन वाली टर्म्स क्या होती है, डिफरेंस की फॉर्म में माइनस की फॉर्म में आ जाती है। तो आप देखिए आपके पास आ जाएगा 1/5 और ये लॉग 7 स्क्वायर PQP माइनस लॉग D6 D स्क्वायर। यहाँ पे आप कर लिए, ब्रैकेट लगा दीजिएगा, ठीक है। अच्छा अब बच्चों देखिए, ये जो पहली ब्रैकेट में ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ आप लगा देंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में आपको याद है कि ये क्या आ जाते हैं, सम के फॉर्म में। तो ये 1/5 देखिए ये आपके पास आ जाएगा लॉग 7 स्क्वायर प्लस लॉग PQ प्लस लॉग P, ठीक है। ये आपके पास आ गया, और फिर देखिए ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस लॉग D रेस टू द पावर 6 प्लस लॉग D रेस टू द पावर 2। अब हम यहाँ लगा देंगे पावर रूल, ठीक है। ये पावर अगेन पावर रूल, यानी पावर पहले आ जाएगी। अब ये 1/5 या जो आपके पास 2 log 7 प्लस 3 log P प्लस लॉग पी, ये माइनस को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और पावर रूल भी लगा देते हैं, माइनस 6 log D तो -2 log B, तो ये बच्चों आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं इसका पार्ट, लास्ट पार्ट है पार्ट 7। देखिए पार्ट 7 आपके पास ये है, लॉगरिथम ऑफ आपके पास ये है क्यूब रूट 5.5.512 पी, ये आपके पास है क्यूब रूट, तो ये एम रेस टू द पावर 1/2 अपॉन 5.91, और ये आपके पास ए स्क्वायर है, यहाँ तक आपका फोर्थ रूट है, और ये ए स्क्वायर। तो अच्छा कर लेते हैं, ये स्क्वायर रूट के अंदर है या स्क्वायर रूट के बाहर। देखिए सुनिए, ये लास्ट पार्ट है कि लॉगरिथम ऑफ क्यूब रूट ऑफ 5.512 p और फिर एम रेस टू द पावर 1/2 है, ये क्यूब रूट है, और फिर अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 5.91 और इंटू ए स्क्वायर पी होल पावर t। इसे भी हमने लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। सॉरी, लॉगरिथम फॉर्म को आपने एक्सपेंड करना है, ठीक है। देखिए ये आपका लॉगरिथम ऑफ 5.512 p और ये आपके पास क्यूब रूट है, और फिर ये आपके पास क्या है, एम रेस टू दी पावर 1/2 है अपॉन 5.91 और ये फोर्थ रूट है, और फिर ये आपके पास ए स्क्वायर
और बी है, और फिर होल पावर आपके पास टी है, होल पावर टी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लगाएंगे पावर रूल, यानी पावर रूल में क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी पहले, ये टी पहले आ गया, ठीक है। और लॉगरिथम ऑफ 5.512 पी, और ये क्यूब रूट, और एम रेस टू द पावर 1/2 अपॉन 5.91, और ये फोर्थ रूट ए स्क्वायर पी। अच्छा अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब हम यहाँ लगा देंगे क्वोशेंट रूट, ठीक है। अब हम यहाँ लगा देंगे क्वोशेंट रूट, तो क्वोशेंट रूल में देखिए पावर टी तो पहले आ गया, ये तो ऑलरेडी पहले है, और फिर देखिए लॉग 5.512 पी, ये क्यूब रूट, और ये एम रेस टू दी पावर 1/2, ठीक है। और माइनस लॉग 5.91 फोर्थ रूट ए स्क्वायर इंटू बी। अच्छा अब बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसके बाद लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो प्रोडक्ट रूल में देखिए आपके पास क्या, देखिए टी, तब हम यहाँ लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, तो देखिए आपके पास आ जाएगा लॉग 5.512 पी, ये क्यूब रूट, और प्लस लॉग एम रेस टू दी पावर 1/2। ये हमने पहले प्रोडक्ट रूल लगा दिया, ठीक है। फिर माइनस, अब देखिए यहाँ पर भी आपके पास ये आ जाएगा लॉग 5.91, ये फोर्थ रूट, ठीक है। फिर माइनस लॉग ए स्क्वायर, और माइनस लॉग बी, वो सब में मैंने अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अच्छा अब बच्चों देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आएंगे पावर रूल ना। अब देखिए ये आपके आ गया टी, अब पहले स्टेप में तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए आपके पास लॉग 5.512 पी, और ये क्यूब रूट आ गया 1/3, यानी हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए ये आपके पास जो पावर है ये पहले आ जाएगी, प्लस 1/2 लॉग एम, माइनस, अब देखिए यहाँ पर भी क्या आ जाएगी, देखिए ये इसको हम यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे, लॉग 5.91 होल पावर 1/4। यहाँ पे हम देखिए पावर रूल लगा देंगे, ये पावर टू पहले आ जाएगी, टू लॉग ए, तो ये माइनस लॉग बी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे भी देखिए पावर रूल लगाए, देखिए टी आपके पास आ गया, अब ये लॉग, ये पावर आ जाएगी पहले, ये पावर है, ये पावर 1/3 आ जाएगी पहले, 1/3, और फिर लॉग 5.512 पी, और प्लस ये 1/2 लॉग एम, तो ये माइनस, ये भी पावर आ जाएगी पहले, 1/4 और लॉग 5.91, और ये माइनस 2 लॉग ए, और ये माइनस लॉग बी। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक हम इस पे दोबारा प्रोडक्ट टू लगा देंगे, अब टी, अब ये 1/3, और यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग 5.512
प्लस लॉ, दोबारा हमने क्या कर दिया है, तो रूल लगा दिया, फिर 1/2 लॉग एम, ये -1/4 लॉग 5.91 -2 लॉग ए, और ये माइनस लॉग बी। ठीक है, अब चाहे तो इस 3 1/3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टी, अब ये 1/3 लॉग 5.512 प्लस 1/3 लॉग पी, फिर ये 1/2 लॉग एम, फिर ये -1/4 लॉग 5.91, फिर ये -2 लॉग ए, तो ये माइनस लॉग बी। तो ये बच्चों आपका कंप्लीट आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 1 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है कि लॉग्स को कंबाइन करना है। बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको एक्सपेंड फॉर्म दी हुई है, आपने इसको एक सिंगल लॉगरिथम बनाना है। ठीक है, यानी पिछले क्वेश्चन में आप लोग एक्सपेंड करते थे, अब आपको एक्सपेंड फॉर्म दी हुई है, आपने इसको सिंगल लॉगरिथम बनाना है। अब देखिए, पहला आपके पास ये है कि 3 log x -5 log y, यानी आपने इसको सिंगल लॉगरिथम बनाना है। तो बेटा देखिए, पहले स्टेप में तो हम क्या करेंगे, पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल आपको याद है कि ये होता है कि अगर आपके पास log a रेस्ट टू दी पावर b है, तो b log a। अब इसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे, अगर पावर पहले दी हो तो इसको आप ऊपर शिफ्ट कर देंगे, इसे हम लिखेंगे log x क्यूब, और माइनस इसे लिख देंगे log y रेस्ट टू दी पावर 5। अब बच्चों हम यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल आपको याद है कि वी नो दैट, अगर आपके पास ये हो कि लॉग ए माइनस लॉग बी, इसे हम लिखते हैं कि लॉग ए अपॉन बी, यानी ये क्वेश्चन रूल। ठीक है, अब हम इसे कर देंगे लॉग एक्स क्यूब ओवर वाई रेस टू द पावर 5। ये देखिए आपके पास सिंगल लॉगरिथम बन गया। ठीक है, अब आज इसका नेक्स्ट पार्ट है 2। 2 पार्ट आपके पास ये है कि 1/2 लॉग टी प्लस 1/3 लॉग आर, और -1/5 लॉग एक्स लॉग एस। देखिए, पहले स्टेप में तो हमने क्या करना है कि पावर रूल लगाना है। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपके पास जब पावर रूल लगाएंगे तो पहले स्टेप में आपको याद है कि देखिए पावर रूल का फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट, अगर देखिए आपके पास हो बी लॉग ए, तो आप इसे लिखते हैं लॉग ए रेज टू द पावर बी, ये आपके पास पावर रूल है। ठीक है, अब देखिए ये आप कर देंगे इसे, देखिए लॉग टी रेस टू द पावर 1/2 प्लस ये भी लॉग आर रेस टू द पावर 1/3, और ये माइनस लॉग एस रेस टू द पावर 1/5। ठीक है, अच्छा अब अगर आप चाहें तो इसे यूं लिख सकते हैं लॉग टी रेस टू पावर 1/2 को स्क्वायर रूट ऑफ टी लिख सकते हैं। ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ आर, और ये माइनस इसे आप फिफ्थ रूट ऑफ एस। अच्छा, अब आप यहाँ लगा देंगे प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल आपको याद है कि आपके पास ये होता है कि वी नो दैट, अगर आपके पास लॉग ए
प्लस लॉग बी हो, इसे आप लिखते हैं लॉग ए बी, लॉग ए बी। और क्वेश्चन रूल अभी इससे पहले किया था, जब माइनस हो तो डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसे हम यूँ लिख देंगे लॉग स्क्वायर रूट ऑफ टी, स्क्वायर रूट ऑफ टी इंटू क्यूब रूट ऑफ आर डिवाइडेड बाय फिफ्थ रूट ऑफ एस। तो ये आपका आंसर है कंप्लीट, ठीक है। अब आ जाए इसका पार्ट थ्री। ये भी आपको लॉगरिथम की एक्सपेंड फॉर्म दी हुई है और आपने इसको सिंगल लॉग में बनाया, ठीक है। अब देखिए ये 1/7 और फिर ये लॉग 57.7 -3 लॉग 9.24, फिर प्लस 4 और लॉग 36.6, फिर -2 लॉग 23.3। तो पहले स्टेप में तो हम लोग क्या करेंगे कि पावर रूल लगाएंगे, ठीक है। जो नंबर्स हैं उनको ऊपर शिफ्ट कर देंगे। देखिए ये 1/7 तो एज इट इज आ गया। अब ये लॉग 57.7 माइनस, अब देखिए ये आपके पास लॉग 9.24, और ये पावर ऊपर शिफ्ट हो गई, 3 ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए प्लस 4, अब ये भी देखिए लॉग 36.6, और ये भी पावर 4 ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। और फिर देखिए ये भी आपके पास माइनस लॉग 23.3, तो ये पावर 2 ऊपर शिफ्ट होगी, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम जो प्लस वाली टर्म्स एक साथ अरेंज कर देते हैं, यानी जो आपको याद है कि जो प्रोडक्ट रूट में जो प्रोडक्ट होता है वो सम के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए ये आ जाएगा लॉग 57.7 और प्लस लॉग 36.6 की पावर 4, और ये माइनस वाली एक साथ कर देते हैं, माइनस लॉग 9.24 होल पावर 3, और ये माइनस लॉग 23.3 होल पावर 2, ठीक है। अच्छा इसमें भी देखिए हम क्या करते हैं, ये 1/7 और ये लॉग 57.7 प्लस लॉग 36.6 रेज टू द पावर 4। अब यहाँ से माइनस साइन हम कॉमन ले लेते हैं, जब माइनस साइन कॉमन ले लिया देखिए तो ये आपके पास आ जाएगी बैक, देखिए ये आपके पास आ गया लॉग 9.24 ये क्यू और प्लस लॉग 23.3 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये 1/7, अब देखिए ये प्लस है तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको याद है फार्मूला भी मैं याद रख देता हूँ, वी नो दैट लॉग ए प्लस लॉग बी, ये लॉग ए मल्टीप्लाई बाय बी आ जाता है, ठीक है। अब हम इसे क्या करते हैं, देखिए 1/7 और ये लॉग
57.7 और मल्टीप्लाई बाय 36.6 रेस टू द पावर 4 और माइनस देखिए, ये भी देखिए आपके पास क्या हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई और इनको भी प्लस कर देंगे, लॉग 9.24 का क्यूब और मल्टीप्लाई बाय 23.3 का स्क्वायर। ये होल पावर टी भी थी, ठीक है, यहाँ पर स्टार्टिंग में ये 1/7 आखिर में देखे, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब आपके पास क्या हो रहा है, देखिए अब ये दोनों दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये माइनस, ये अब क्या हो रहे हैं आपके पास, डिफरेंस है लॉग ए माइनस लॉग बी। अब यहाँ डिफरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको याद है कि क्या होता है कि लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए अपॉन बी। अब हम ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 1/7 और ये लगा देंगे आप लॉग, ठीक है। अब ये 57.7 मल्टीप्लाई बाय 36.6 रेस टू द पावर 4 और अपॉन 9.24 क्यूब और मल्टीप्लाई बाय 23.3 होल स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ देखिए होल पावर 1/7 है, यानी ये स्टार्टिंग में पावर 1/7 है, तो यहाँ लगाते हैं पावर अगेन। आपको याद है कि वी नो दैट ए लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए रेस टू द पावर बी, तो ये 1/7 को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए आपको बता देगा लॉग 57.7 मल्टीप्लाई बाय 36.6 रेस टू द पावर 4 अपॉन 9.24 ये क्यूब और फिर ये 23.3 का स्क्वायर, ठीक है, और ये होल पावर आपके पास आ जाएगी 1/7। तो देखिए ये आपके पास इसकी सिंगल फॉर्म बन गई, ठीक है। अब आ जाए इसका पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए पार्ट 4 आपके पास ये है कि 5 log 6 -7 log 9.42 +1/3 log t फिर -1/2 log 32.2 और +2/3 log a। देखिए स्टूडेंट इसे भी आपने सिंगल फॉर्म बनानी है, तो पहले स्टेप में हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो पावर रूल्स हैं वो लगाते हैं कि वी नो दैट ए अपना पी लॉग ए बी लॉग ए इज इक्वल टू लॉग ए रेस टू द पावर बी, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, log 6 रेस टू द पावर 5 -log 9.42 होल पावर 7 फिर ये 1/3 आ जाएगा log t रेस टू द पावर 1/3 तो ये -log 32.2 पावर 1/2 और लास्ट में देखिए +log
रेस टू द पावर 2/3। अब हम क्या करते हैं, प्लस वाली टर्म्स को एक साथ लिखते हैं, माइनस वाली टर्म्स को एक साथ लिखते हैं, ठीक है, ताकि जो सम वाला जो है वो जो प्रोडक्ट बन जाएगा और जो माइनस वाला वो डिवाइड बने, क्वेश्चन रूल बन जाएगा। अब देखिए ये log 6 रेज टू द पावर 5, फिर प्लस log, इसे हम t³ लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में देखिए प्लस log a² और ये क्यूब रूट लिखते हैं आप, और ये -log 9.42 और होल पावर 7, और ये -log 32.2 और ये स्क्वायर। अच्छा अब बच्चों देखिए ये आपके पास क्या, और ये प्लस हो रही है, ठीक है, इसे हम लिख देंगे, देखें log 6 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय t³ रूट, और ये इसे हम लिख देंगे a² और q√। और माइनस, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा, देखें log, जब माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो अब आप इसे लिख दें, जब माइनस साइन कॉमन ले लिया आपने तो ये log 9.42 होल पावर 7 और प्लस log√32.2। अच्छा इसे भी हम लिख देते हैं, ये तो ऐसे आ जाएगा log 6 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय t³√t² √a² और देखिए माइनस, इसे भी हम लिख देंगे आप इसे लॉग, देखिए ये भी मल्टीप्लाई की फॉर्म है, log 9.42 होल पावर 7 और मल्टीप्लाई बाय 32.2 और √। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके पास ये क्या हो गया, देखें अब यहाँ लग गया क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल आपको याद है कि वी नो दैट अगर log a - log b हो, इसे हम log a/b लिखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को। अब हम इसे लिख देंगे, देखें log 6 रेज़ टू द पावर 5 √t · √a² और डिवाइडेड बाय 9.42 होल पावर 7 और √32.2। बच्चों देखिए ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया, कि हमने सिंगल लॉगरिथम बना दिया, ठीक है। बाकी इसका पार्ट 5 आसान सब आप खुद कर लीजिएगा, तो बाकी इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक भी करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।